गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे गम्स की प्रॉब्लम, उसका नाम होता है पायरिया, जिसमें कि मसूड़ों से खून आने की समस्या शुरू हो जाती है और इस समस्या को लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो प्लीज कॉन्शियस हो जाइए, क्योंकि मसूड़ों से खून आना कोई नॉर्मल बात नहीं है। ऐसी कंडीशन में मसूड़ों में सूजन हो जाती है और ब्रश करने के ड्यूरेशन में मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है, जो मुंह में गंदगी के कारण होता है। जब दांतों और मसूड़ों के बीच में इंसान का सलाइवा कलेक्ट होना शुरू हो जाता है और खाना खाने के बाद इंसान जब अपनी मुंह को साफ नहीं करता, कुल्ला नहीं करता, तो उस कंडीशन में उसके जो गैप बना होता है दांतों के बीच में, वहां पर सड़न पैदा होनी शुरू हो जाती है। वहां दांतों के आसपास गड्ढे बनने शुरू हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में उसके मुंह से बदबू आनी शुरू हो जाती है और ऐसा आयरन या हीमोग्लोबिन की कमी के कारण भी हो सकता है और स्वाद भी इंसान का इसमें डिस्टर्ब हो जाता है। उसको टेस्ट नहीं आता किसी भी चीज का, क्योंकि वो ठीक तरीके से खा ही नहीं पाता। जब भी वो कोई चीज खाता है उसको इतनी स्वेलिंग हो रही होती है कि वो जैसे ही किसी चीज को च्यू करने की कोशिश करता है तो उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर मुंह में बहुत ज्यादा गंदगी रहती है, जो लोग अपने मुंह को ठीक से क्लीन नहीं करते, ठीक से ब्रश नहीं करते, तो उनको ये समस्या ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। इस प्रॉब्लम को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना चाहिए। आमतौर पर हम मसूड़ों की समस्या को सामान्य समझकर लाइटली ले लेते हैं, तो जो बाद में खतरनाक साबित होता है। मसूड़ों से खून निकलने पर व्यक्ति में पायरिया हो सकता है और इससे धीरे धीरे दांतों की हड्डियां गलनी शुरू हो जाती हैं। पायरिया दांतों का ऐसा रोग है जो दांतों के साथ मसूड़ों को भी प्रभावित करता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि क्या कारण हो सकते हैं इसके। तो जो लोग दांतों को बहुत तेजी से ब्रश से रगड़ते हैं, मसूड़ों में चोट लग जाती है, अगर किसी तरीके का कोई बैक्टीरिया लग गया है, हॉर्मोन्स में अगर हमेशा उतार चढ़ाव रहता है, विटामिन सी और विटामिन डी की कमी की वजह से इंसान को पायरिया हो सकता है। और इसमें सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं, इसमें गम्स में स्वेलिंग और रेडनेस आ जाती है, दांतों के बीच में जगह बननी शुरू हो जाती है, सांसों में बदबू आनी शुरू हो जाती है, दांतों का हिलना शुरू हो जाता है, मसूड़ों और दांतों के बीच में पस जमनी शुरू हो जाती है और दांतों और मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको इस समस्या से बाहर निकलने के लिए जो कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताने वाली हूँ, अगर आप उस पर प्रेशर करते रहते हैं तो आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। इसमें अंगूठे के सहारे वाली रेखा से लेकर उंगली वाली रेखा तक जो आपको पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, आप उस पर प्रेशर करें। इसके अलावा हाथों में जो आपको फर्स्ट वाली फिंगर पे जो पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, आप उस पर प्रेशर करें। दांतों की आप रेगुलर बेस पे क्लीनिंग करें और जब जब कुछ भी खाएं उसके बाद आप पानी से कुल्ला जरूर करें, ताकि उसमें फंसा हुआ भोजन बाहर निकल सके और आपके दांतों में किसी तरीके की कोई समस्या उत्पन्न ना हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज इतना ही। आप अपने दांतों की केयर करिए। थोड़े से स्टेप्स अगर आप यूज करते हैं तो आप काफी हद तक अपने शरीर के अंगों की रक्षा कर सकते हैं। इनको ध्यान में रखिए और अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए और अ स्टेप फॉर बेटर लाइफ के साथ हमेशा जुड़े रहिए, ताकि आप अच्छी से अच्छी चीजें इससे सीखते रहें और अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करते रहें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।